वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर थ्री। अब इस वीडियो को समझने के लिए आपको जो पिछले जो दो वीडियो है उसको देखना जरूरी होगा। तो इसके लिए आप YouTube पर जाकर राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स को सर्च कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, इसको हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को क्वेश्चन से। क्वेश्चन है देखिए, आयोटा का पावर 180 है, 178 है, आपको 176 ऐसे है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बताए थे कि जब आयोटा का पावर 4 से अधिक रहेगा तो इसमें 4 से भाग कीजिएगा और जो शेषफल आएगा उसको लिखते जाइएगा। तो इसको ऐसे बना सकते हैं। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर 180 है, 78 है, 76, 74 है, 72 है। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि कॉमन निकाल लेते हैं 172। आयोटा का पावर 172 को कॉमन निकाल लीजिए। जब कॉमन निकालिएगा, देखिए यहाँ से कॉमन जब ही निकल जाएगा तो यहाँ पर तो 1 बचेगा। आ यहाँ पर देखिए 74 है, 72 निकल गया तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर पहुँच जाएगा आयोटा का पावर 4 पहुँच जाएगा। यहाँ पर आयोटा का पावर बन जाएगा 6, आ यहाँ पर बन जाएगा आयोटा का पावर 8 बाई, फिर यहाँ पर देखिए सबसे छोटा क्या है, 162 है। आयोटा का पावर 162 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आयोटा का पावर हो जाएगा 4, और उसके बाद आयोटा का पावर हो जाएगा यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा का पावर 8। आप देख रहे हैं, देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर में है वहीं तो नीचे में, ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आयोटा का पावर 72, यहाँ पर है कौन चीज 62, तो बेस सेम रहे तो पावर तो घट जाता, यानी a का पावर m बाई a का पावर n रहे तो a का पावर m माइनस n। देखिए 172 में से 162 घटेगा तो आयोटा का पावर 10 बन जाएगा। अब इस 10 में क्या कीजिए, आप 4 से भाग कीजिए, 4 से जब भाग कीजिएगा तो हमारा शेषफल 2 आएगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू तो हम पहले ही से जानते हैं कि माइनस 1 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा -1। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, आयोटा का पावर 592 है, 590, 588, 586, 584, 582, 80, 78, 76, आपको 74, तो इसका भी -1 ही आंसर आएगा। तो जैसे हम समझाए उसको क्या कर लेना है, बना लेना है, इवैल्यूएट माने ज्ञात करना है। क्या कीजिएगा, 500 आयोटा का पावर 584 है, इसको कॉमन निकालिएगा इधर, फिर यहाँ पर सबसे छोटा 574 है, इसको कॉमन निकालिएगा, देखिएगा कुछ कटेगा, उसके बाद वैल्यू लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग रिमार्क्स, टिप्पणी। टिप्पणी क्या है, छोटे क्लास से पढ़ते आप आ रहे हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी पढ़ते आ जाते हैं, रूट अंडर ए बी न, रूट अंडर ए रूट अंडर बी ये होता है रूट अंडर ए बी, लेकिन बात पूरा सही नहीं है। सही क्या है, यह तभी संभव होगा, इट इज ओनली पॉसिबल इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। मैंने कौन मतलब, इसका मतलब है कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी तभी संभव है। इसका देखिए हिंदी नहीं लिखेंगे, इसको प्रेम से सुन लीजिए, रूट अंडर ए बी इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल रूट अंडर ए बी, ये तभी संभव है जब ए और बी से कम एक धनात्मक हो या शून्य हो। यानी ये नियम कब नहीं लागू होगा, जब दोनों ही ऋणात्मक होगा तभी लागू नहीं होगा। यानी ए और बी से कम ए गो पॉजिटिव हो या जीरो हो तभी नियम जो है लगेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे रूट अंडर -3 है
और रूट अंडर टू है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर टू इंटू थ्री इंटू टू, ये हो जाएगा रूट अंडर सिक्स। ये बात सही है, क्या है कि तीन भी पॉजिटिव है और दो भी पॉजिटिव है। दो नंबर में रूट अंडर मान लिए थ्री इंटू रूट अंडर माइनस टू, ये हो जाएगा रूट अंडर थ्री इंटू माइनस टू यानी रूट अंडर माइनस सिक्स। देखिए थ्री है और माइनस टू है, ई नेगेटिव है लेकिन ई तो पॉजिटिव है, तो नियम कहता है कि तभी संभव है जब दोनों में से कम एक को पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो ई नेगेटिव है लेकिन ई तो पॉजिटिव है, इसलिए ई नियम सही है, ई नियम सही है। तीन नंबर में रूट अंडर थ्री है और रूट अंडर जीरो है, तो ये रूट अंडर थ्री इंटू जीरो ये हो जाएगा रूट अंडर जीरो या इक्वल टू जीरो। ये भी सही है, कहा कि यहाँ पर माइनस थ्री ले लेते हैं, माइनस थ्री यहाँ पर रूट अंडर माइनस थ्री है लेकिन ये तो जीरो है। नियम कहता है कि ए और बी दोनों में से एक को जीरो हो या पॉजिटिव है तब ई होगा। अब देखिए क्या नहीं होगा, चार नंबर में अगर रूट अंडर माइनस थ्री और रूट अंडर माइनस टू लिख देते हैं तो ये रूट अंडर माइनस थ्री इन टू माइनस टू जब लिख दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी रूट अंडर सिक्स, जो गलत है। क्या कि दोनों ही यहाँ पर निगेटिव हो गया, रूट अंडर माइनस थ्री और माइनस टू यानी थ्री और यानी दोनों जब एक साथ निगेटिव होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। आज से इसको ध्यान में रखना है, अभी तक जो पढ़ते आप आ रहे होंगे अंडर टेंथ में तो इस नियम को आप बेहिचक लगाते होंगे, क्योंकि रूट के अंदर में आपको कभी निगेटिव मिला ही नहीं है, लेकिन अब से मिलेगा। जब दोनों एक साथ निगेटिव होगा तो ये नियम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जब दोनों एक साथ निगेटिव होगा तो डायरेक्ट आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। दूसरा नियम, इफ ए एंड बी बोथ आर निगेटिव देन, यदि ए और बी दोनों ही का हो ऋणात्मक हो, यहां पर लिख देते हैं यदि ए और बी दोनों ही ऋणात्मक हो तब। तो देखिए रूट अंडर ए आई इंटू रूट अंडर बी ये हो जाता है माइनस रूट अंडर ए बी, आ चाहे माइनस रूट अंडर ए बी ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस। अब मॉडुलस वाला बात जो हम लोग बाद में देखेंगे, आप इसी को याद रखिए। देखिए जैसे कि एग्जांपल में रूट अंडर माइनस थ्री और रूट अंडर माइनस टू है तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है माइनस रूट अंडर थ्री आई इंटू टू तो ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर सिक्स। जैसे कि और एग्जांपल माइनस फोर आई इंटू रूट अंडर माइनस सोलह तो ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर माइनस लिख देंगे फोर आई इंटू हो जाएगा सोलह तो ये हो जाएगा चौंसठ, ये हो जाएगा एट। क्यों देखिए कि क्यों गलती हो जा रहा है, देखिए इस नियम से देखिए माइनस रूट सिक्स आ रहा है, यहाँ पर रूट सिक्स आ रहा है, दोनों जो है इसमें बहुत अंतर है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसको आप एक और नियम होता है कि अगर रूट अंडर माइनस ए हो, तीन नंबर में पहले भी बता चुके हैं, इफ ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है देन ए पॉजिटिव मतलब यहाँ पर ए धनात्मक है तब रूट अंडर माइनस ए रहे ना तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए इस ए पॉजिटिव रहेगा माइनस रहेगा तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस नियम से देखिए ना रूट अंडर माइनस फोर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक जगह पर हो गया फोर ये हो जाएगा रूट फोर आयोटा तो रूट फोर का वैल्यू हो जाएगा टू आयोटा। यहाँ से आप देख रहे हैं देखिए तो ये हो जाएगा रूट थ्री आयोटा, इस नियम से रूट थ्री आयोटा इंटू रूट टू आयोटा गुना कीजिएगा तो भाई रूट थ्री या रूट टू ये तो पॉजिटिव है, ये गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट सिक्स आयोटा आयोटा में गुना कीजिएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट सिक्स आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन होता है, माइनस वन से इसमें गुना किया तो माइनस रूट सिक्स हो जाएगा। देखिए देखिए ये हो जाया था, ये आया था रूट सिक्स, आई आया माइनस रूट सिक्स, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है।
और देखिए आइस नियम से भी हम लोग निकाले तो माइनस रूट सिक्स आया है, इसलिए ई प्रोसेस जो है और एक जैसा काम करेगा। यू आर राइट कॉन्सेप्ट, यानी कहने का मतलब है कि जब ये दोनों रूट अंडर ए और रूट अंडर बी ये दोनों ऋणात्मक होगा तो इस नियम को लगाएंगे, माइनस रूट अंडर ए बी या माइनस रूट अंडर मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। और जब दोनों में से कम से कम एक पॉजिटिव हो या जीरो हो तो पीछे वाला नियम रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स समर का डेफिनेशन। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स समर के यूँ समझिए कि बेसिक आयोटा के बारे में देख रहे थे, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स समर का परिभाषा देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स समर कहते किसको हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले आप परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप बोलते हैं कि वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जहाँ पर पी क्यू पूर्णांक हो और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। यानी ए नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वैसाएँ जो सम्मिश्र संख्या है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी सम्मिश्र संख्या होता है, तो इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्याएं जो x प्लस आयोटा y के रूप में व्यक्त किया जा सके, वैसी संख्याएं जो x प्लस आयोटा y के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या। यानी ए नंबर ऑफ द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कर लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स वाई जो होगा रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स वाई वास्तविक संख्या होगा एंड आयोटा का वैल्यू रूट अंडर माइनस वन होता है जानते हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज डिनोटेड बाई जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित किया जाता है, यानी दैट इज मतलब अर्थात जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। ये जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप, ये सम्मिश्र संख्या का मानक रूप होता है। यानी समझा रहे हैं ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए संख्याएं जो के रूप में हो, माने एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में हो, वेयर माने जहां एक्स वाई वास्तविक संख्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा का वैल्यू रूट अंडर माइनस वन है इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई जेड, इसको जेड से सूचित किया जाता है, इसका मतलब है दैट इज मतलब अर्थात जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए मैंने लिख दें अगर हिंदी में वैसी संख्याएं जो एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में हो, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या हो, तथा आयोटा का वाले रूट अंडर माइनस वन हो, वैसी संख्याएं जो के रूप में हो उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। देखिए इसमें x प्लस आयोटा वाई, तो ई जो होता है ना इसको रियल पार्ट कहते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग, यानी सम्मिश्र संख्या वैसी संख्या जो x प्लस
आयोटा वाई के रूप में हो, उसे कहते हैं समीश संख्या, इसको जेड से सूचित करते हैं। अब देखिए ई जो है एक्स है, इसको कहते हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको कहते हैं जेड का वास्तविक वास्तविक भाग। इट इज डिनोटेड डिनोटेड बाई आर ई जेड या आर जेड, माने इसे इसे आर ई जेड या आर जेड से सूचित किया किया जाता, यानी जिसमें आयोटा नहीं लगा है यानी एक्स वाला है ना, इसको रियल पार्ट ऑफ जेड माने कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। एक्स को रियल पार्ट, इसको हम लोग सूचित करेंगे आर ई जेड या आर जेड, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड, माने एक्स जो है जेड का रियल पार्ट है। जो वाई है आयोटा हटा करके, जो आयोटा के साथ में गुणा के रूप में वाई, इसको कहते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी जेड का काल्पनिक काल्पनिक भाग। इट इज डिनोटेड डिनोटेड बाई आई एम जेड या आई जेड, कैपिटल आई है, माने कहने का मतलब है इसे आई एम जेड या आई जेड से सूचित सूचित किया जाता है। देखिए तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स को रियल पार्ट, वाई को इमेजिनरी पार्ट, एक्स जो है रियल पार्ट को आर ई जेड से सूचित करेंगे चाहे आर जेड से सूचित करेंगे, ज़्यादा यही फेमस है, और इमेजिनरी पार्ट को हम आई एम जेड से या आई जेड से सूचित करेंगे। यानी कौन मतलब, अगर मान लीजिए कि 4+2 आयोटा है, 4+2 आयोटा, तो जिसमें आयोटा नहीं लगा है यही है रियल पार्ट, यही है रियल पार्ट, आई हो गया इमेजिनरी पार्ट, आयोटा आगे भी हो सकता है चाहे बाद में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये है इमेजिनरी पार्ट। मान लीजिए यहाँ पर 7, यहाँ पर मान लीजिए कि 7 आयोटा है, यहाँ पर 10, देखिए तो यहाँ पर आयोटा बाद में है, देखिए यहाँ पर आयोटा पहला ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है यही है रियल पार्ट, ये रियल पार्ट हो गया, आ ई हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो और इसको हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, आ देखिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं 4+3 आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वैसी संख्या जो एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में हो, तो एक्स से जो अपर 4 हो गया 3 आयोटा, चाहे आयोटा 3 बात सेमी है, तो ये रियल पार्ट हो गया हमारा 4, इमेजिनरी पार्ट हो गया 3। दो नंबर में हम लेते हैं 3-2 आयोटा, तो रियल पार्ट हो गया हमारा 3, इसको हम लिख सकते हैं 3+-2 आयोटा, तो ये भी हो गया x प्लस आयोटा वाई के रूप में है, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट हो गया -2। तीन नंबर में 4 को हम लिख सकते हैं 4+0 आयोटा, 0 से आयोटा में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, देखिए तो रियल पार्ट हो गया हमारा 4, इमेजिनरी पार्ट हो गया 0, माने जिसमें आयोटा नहीं लगा रहेगा वो रियल पार्ट होगा, और जिसमें आयोटा लगा रहेगा वही हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। चार नंबर में मान लीजिए कि -4 है, तो -4+0 आयोटा हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। 5 में मान लीजिए 3 आयोटा है, 3 आयोटा है, तो इसको 0+3 आयोटा लिख सकते हैं, तो हमारा रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट हो गया 3। और भी लिख सकते हैं 6 नंबर में मान लीजिए -1/2 आयोटा है, तो इसको 0+-1/2 ये हो जाएगा -1/2, रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट हो गया -1/2। यहाँ पर एक और एग्जांपल 0 लेते हैं, तो 0 को भी आप 0+0 आयोटा लिख सकते हैं, इसका रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट भी हो गया 0।
यानी वैसी संख्या है जिसको x प्लस अवट आयोटा वाई के रूप में लिख सकते हैं आप, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी एक शब्द में समझिए आप, दुनिया का जितना भी संख्या होता है, जितना भी क्वांटिटी होता है, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि सबको x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर तो ठीक है आयोटा लगा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर तो आयोटा नहीं था लेकिन 4 + 0 आयोटा लिख दिए, यहाँ पर -4, ये भी तो इसमें भी तो आयोटा नहीं है लेकिन -4 + 0 आयोटा लिख दिए, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो देखिए ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है लेकिन आयोटा यहाँ पर है, देखिए ये रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है। हाँ लेकिन जीरो तो रियल नंबर में आता है, यानी जितना भी वास्तविक संख्या, रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्या, जितना भी वास्तविक संख्या है सबको एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में आप लिख सकते हैं। इसलिए जितना भी वास्तविक संख्या है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि जितना भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या का आप डिफिनेशन जाते हैं वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, और जब जितना भी पूर्णांक होता है उस सबका बटा में 1 आप लिख सकते हैं। इसलिए जितना भी पूर्णांक है सबको परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसी प्रकार से जितना भी रियल नंबर है सबको x प्लस आयोटा वाई के रूप में आप लिख सकते हैं। इसलिए जितना भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, उस सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 को पार्ट होता है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा होता है इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या, यानी काल्पनिक और इमेजिनरी दोनों मिलकर हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आप जितना भी संख्या आप जान सकते हैं, जानते हैं, उस सभी के सभी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए सब तरह का एग्जाम्पल हो गया। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इस पर एक पहले नोट देखते हैं कि जितना भी सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं है। नोट में ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स नंबर्स बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल नंबर। मैंने इसका हिंदी हुआ, ऑल रियल नंबर्स सभी वास्तविक संख्याएं आर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं, बट लेकिन ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सभी सम्मिश्र संख्याएं आर नॉट रियल नंबर्स। यानी इसका हिंदी अगर लिखना चाहें तो आप ध्यान से सुन के लिख सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है लेकिन सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 4 - 4 = 7 - 1/2 = 0, ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स एंड रियल दोनों हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर 4 iota सिर्फ आयोटा, -1/2 iota, 3 iota, ये जितना भी जो है ये कॉम्प्लेक्स है बट नॉट रियल। ये सम्मिश्र संख्या है लेकिन रियल इसको नहीं कह सकते हैं, ये रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी इसको कह सकते हैं। देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, या निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को जो है एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में आपको लिखना है, इसको कैलकुलेट करके लिखना है। देखिए सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, लेट जेड मान लेंगे, क्या मान लेंगे जेड मान लेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए यहाँ पर जो है कोष्ठ तोड़ते हैं, 7 - 2 iota, ये माइनस अंदर जाएगा, कोष टूटेगा तो माइनस अंदर जाएगा तो -4 और -iota हो जाएगा, ये कोष टूटेगा यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा आपका ये -3 हो जाएगा +5 iota हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, बिना आयोटा वाला को एक साथ, देखिए इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है और इसमें आयोटा नहीं है, देखिए तो -3 - 4 - 7 मिलकर कट गया इससे, अब ये हो जाएगा -2 iota -iota, ये हो जाएगा -3 iota +5 iota, तो ये हो जाएगा आपका 2 iota, ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में। देखिए यहाँ पर 0 लिख दीजिए ना, 2 iota, एक्स जो पर हमारा हो गया 0 और 2 iota, आंसर तो ये भी ठीक है लेकिन एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में दिखाने के लिए हम 0 अपने से लिख दिए, 0 + 2 iota, और 0 यहाँ पर ये देखिए रियल पार्ट, आपसे कहा जाए कि रियल पार्ट क्या होगा तो 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, हो इमेजिनरी पार्ट जेड का तो 2 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। और भी क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोग।
देखिए x प्लस आयोटा वाई के रूप में इसको लिखना है, तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो लेट z मान लेंगे इसको, z मानिए काहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से स्विच करते हैं। देखिए पूर्णांक जो होता है उसको भी हम i से चाहे z से स्विच करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब तक उसका जिक्र नहीं किया जाए इंटीजर का तब तक उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही इसको मानेंगे। तो देखिए दो से इसमें गुना कीजिए तो सिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा एट आयोटा हो जाएगा, आयोटा से गुना कीजिए क्या हो जाएगा फाइव आयोटा हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो सिक्स आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा सिक्स प्लस इसको जोड़ दीजिए आयोटा वाला को एक साथ जोड़िए तो ये हो जाएगा तेरह आयोटा हो जाएगा माइनस सिक्स, इसका आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, हो जाएगा सिक्स प्लस हो जाएगा तेरह आयोटा माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा छः छः हो जाएगा बारह प्लस तेरह आयोटा। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में व्यक्त हो गया। तो इसको अगर रियल पार्ट का हम बात कहें कि रियल पार्ट इसमें क्या होगा तो तेरह होगा, इमेजिनरी पार्ट का बात हम अगर कहें तो ये हो जाएगा आपका सॉरी रियल पार्ट तो बारह होगा ना, बारह होगा ये हो जाएगा तेरह हो जाएगा, यही आंसर हो गया। हाँ इसको भी एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो देखिए बताए कि रूट अंडर माइनस ए है तो रूट ए आयोटा हो जाता है, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो लेट सॉल्यूशन जेड इसको मान लेंगे ये हो जाएगा माइनस टू, आई हो जाएगा रूट थ्री आयोटा इंटू माइनस तीन, आई हो जाएगा टू आर रूट थ्री आयोटा, तो रूट थ्री आयोटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए अब गुना कर दीजिए इसको, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा छः हो जाएगा, ऐसे इसमें गुना करेंगे तो माइनस फोर रूट थ्री आयोटा, इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस थ्री और रूट थ्री आयोटा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा रूट रूट में गुना होगा तो हो जाएगा तीन तीन गुना छः और छः आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा आयोटा में गुना करेंगे आयोटा स्क्वायर, सिंपल गुना है गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका ये सिक्स हो जाएगा देखिए फोर आई थ्री, ये हो जाएगा माइनस सेवन रूट थ्री आयोटा, आई हो जाएगा देखिए माइनस वन आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, माइनस सिक्स हो जाएगा ये तो कट गया था, ये हो जाएगा माइनस सेवन रूट थ्री आयोटा, मन करे तो आप जीरो प्लस माइनस सेवन रूट थ्री आयोटा, आप इतना भी लिख सकते हैं जीरो, लेकिन इसमें दिखाना है कि एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में। तो हो गया यही हमारा रियल पार्ट हो गया, जीरो जो है रियल पार्ट आई ई जो है ई हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। इसको भी x प्लस आयोटा वाई के रूप में हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं लेट z मान लेंगे टू प्लस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर बाई टू माइनस आयोटा, इसका पहले होल स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर यानी फोर हो जाएगा, प्लस टू ए बी इसमें गुना कीजिएगा तो तीन गुना छः दुना बारह आयोटा हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो नाइन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बाई टू माइनस आयोटा। देखिए इसका वैल्यू ध्यान से देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, तो ये माइनस नाइन हो जाएगा, माइनस नाइन आ चार मिलकर हो जाएगा माइनस फाइव और प्लस हो जाएगा ट्वेल्व आयोटा और टू माइनस आयोटा। अब ये भी जो है x प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में व्यक्त नहीं हुआ, इसलिए इसका हर का परमीकरण कर दीजिए यानी डिनोमिनेटर का हो का रेशनलाइजेशन कर लीजिए, माइनस फाइव प्लस बारह आयोटा बाई टू माइनस आयोटा और टू प्लस आयोटा से ऊपर नीचे का कर लीजिए गुना कर लीजिए, जब हम गुना करेंगे गुना कीजिए माइनस फाइव से दोनों में गुना कीजिए माइनस दस हो जाएगा माइनस फाइव आयोटा हो जाएगा, फिर इसे इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा चौबीस आयोटा चौबीस आयोटा और प्लस बारह आयोटा प्लस बारह आयोटा बाटा बाटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दो का स्क्वायर आई इंटू आयोटा स्क्वायर। अब देखा जाए इसमें तो एक चीज गड़बड़ हो रहा है, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा बारह आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल गुना है गुना कर लीजिए कैलकुलेशन छूट ना जाए, माइनस दस माइनस फाइव आयोटा बारह दुना चौबीस आयोटा आ चौबीस आयोटा बारह आयोटा स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस वन तो ये तो हो जाएगा माइनस बारह, माइनस बारह और माइनस दस ये हो जाएगा माइनस बाईस,
ई और ई कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 17 हो जाएगा। प्लस 17 होगा, 19 होगा, 19 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 4, हाई हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4 गो 1 5 गो हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए ध्यान से, देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस 22 बटा 5 प्लस 19 बटा 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा वाई, तो ये हो गया रियल पार्ट। रियल पार्ट देखा जाए तो माइनस 22 बटा 5 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा 19 बटा 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और बारीकी से इसको समझिए, और क्वेश्चन बनाने के लिए हम असाइनमेंट का फोटो खींच करके ग्रुप में डाल देंगे। धन्यवाद।